चार ट्रेनों को अपनी ट्रेन जो है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ओवरटेक कर चुकी है। स्टेशन छूटते ही अपनी ट्रेन जो है रफ्तार पकड़ चुकी है। क्योंकि जब से नियम लागू हुआ है कि आप वेटिंग टिकट लेके भी स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं। कितने सारे लोग यहाँ, तो भाई पूरा पैक होने वाला है अपना ट्रेन। तो झांसी में एक सुंदर सुशील कन्या बैठी थी हमारे बगल में, और काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब जनरल कोच है या नहीं। विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली आंध्र प्रदेश सुपर फास्ट एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के एक नए ब्लॉग एक नए वीडियो में। भाई ट्रेन जर्नी से जैसे ही भटकते हैं तो आपका कमेंट पे कमेंट आने लगता है, डिमांड पे डिमांड आने लगता है कि भैया आपका ट्रेन जर्नी ही मस्त लगता है, ट्रेन जर्नी ही लाइए, फालतू का वीडियो मत बनाइए। तो चलिए आप सबके लिए हम लेके आ चुके हैं आज एक नई ट्रेन जर्नी एक नए वीडियो के साथ। तो आप सबको बता दें अभी हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, भोपाल के भोपाल रेलवे स्टेशन पर, और भाई यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं नई दिल्ली। और भोपाल से नई दिल्ली के बीच ट्रेन तो काफ़ी सारी है, लेकिन आज हम ट्रैवल करने वाले हैं भैया आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में, जो कि विशाखापट्टनम से नई दिल्ली और नई दिल्ली से विशाखापट्टनम के बीच चलती है। लेकिन जब हम भोपाल आए थे, अगर आपने मेरा रिसेंट ब्लॉग देखा होगा, तो हमने एक बस जर्नी की थी लखनऊ से लेके उज्जैन तक की। तो उसमें वहाँ उज्जैन से हमने महाकाल के दर्शन किए, काल भैरव के दर्शन किए, अपना मदिरा उदिरा चढ़ाए, और वापस हम अभी भोपाल आ चुके हैं। और जब आ रहे थे तो हमने सोचा था कि तमिलनाडु एक्सप्रेस में सफ़र करेंगे, लेकिन जब टाइमिंग देखा अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का और तमिलनाडु एक्सप्रेस का, तो ज़्यादा फर्क नहीं था, बस 10 मिनट का फ़र्क था। जबकि अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस 10 मिनट पहले निकलती है, फिर भी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस इसको ओवरटेक करके सबसे पहले दिल्ली पहुंच जाती है। इसीलिए हमारा मूड चेंज हो गया भैया, हमने सोचा तमिलनाडु एक्सप्रेस में जर्नी करने से अच्छा है भैया आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में जर्नी की जाए। तो चलिए आज जर्नी करते हैं भैया अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 20805। ये आ चुकी भैया अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस, चेन्नई सेंट्रल से सीधा न्यू दिल्ली जा रही है। जैसा हमने आपको बताया था कि आए तो थे हम तमिलनाडु एक्सप्रेस में जर्नी करने, लेकिन टाइमिंग का हेर फेर रहने की वजह से हमने जो है आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो मतलब इसे पीछे आती है लेकिन ओवरटेक करके वो दिल्ली पहले पहुंच जाती है। लेकिन अभी हाल ये हो चुका है कि अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जो है वो थोड़ा लेट हो चुकी है। अभी वो जो है इंदिरा नर्मदापुरम से ही निकली है, और जबकि अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस 20 मिनट बिफोर अपनी भोपाल रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है। अब भैया वो तो देखते हैं, वक्त ही बताएगा कि अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है या नहीं, या फिर पहले ही अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच जाती है। वो तो देखते हैं, जब ट्रेन अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस भोपाल में आएगी तब रास्ते में अगर ओवरटेक हुआ तो दिखाएंगे, अगर नहीं हुआ तो भैया किसी तरह तो जर्नी करना ही है अपने आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में। दोस्तों यही है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का जनरल कोच, एक तरह से बोल सकते हैं, इसमें जनरल कोच है ही नहीं, एसएलआर कोच है। तो आज जो यात्रा होगी भैया इसी एसएलआर कोच में होगी। इधर अपना दिव्यांगजन हो गया और इधर अपना एसएलआर हो गया। इसी एसएलआर कोच में भाई हम लोग दिल्ली तक सफ़र करेंगे। मतलब जितना भी कोच है ना इसका, सारा का सारा जो है एसी कोच है और स्लीपर कोच है। पूरा S6 तक जो है, मतलब छः डब्बा जो है स्लीपर क्लास है, और नहीं तो सारे एसी के क्लास के डब्बे हैं, और जनरल क्लास सिर्फ मात्र एक है जिसको SLR बोल सकते हैं। तो उसी SLR में आज जर्नी करेंगे भाई। तो कुछ ऐसा है अपना आज का कोच, और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब जनरल कोच है या नहीं, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जब देखिए यहाँ पे SLRD लिखा हुआ है, तो एक तरह से ये इसमें लेडीज़ का जैसा कोच होता है हमको वैसा लग रहा है। लेकिन चलिए सीट हमने वहाँ पर ले ली है, वहाँ जो आंटी बैठी है उन्हीं के बगल में, तो साथ में हम जर्नी करेंगे। और कोच का हाल कुछ ऐसा है भाई, छोटा सा कोच है ये देखिए, उतनी भीड़ वगैरह नहीं है इसमें अभी। तो अपनी जो ट्रेन है भाई निकल चुकी है भोपाल रेलवे स्टेशन से, और ट्रेन हमने आपको बताया ही लेट पहुंची थी, और 38 मिनट की देरी से जो है अभी ट्रेन चल रही है यहाँ से। यहाँ लगभग यही 30 मिनट की देरी से आई होगी, और 10-15 मिनट यहाँ पे भी भाई लेट हो गई ट्रेन, और अब जाके ट्रेन अपनी भोपाल से निकल चुकी है। और इसके बाद सीधा भाई एक ही बार रुकने वाली है झांसी में, 290 की 91 किलोमीटर की दूरी है, तो नॉन स्टॉप ये सीधा झांसी तक अपना
रनिंग करेगी और बीच में जो भी रेलवे स्टेशन स्किप करेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी चलते हैं भाई अपनी सीट पे और ट्रेन के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देते हैं, जो ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी और क्या क्या जो भी वगैरह होते हैं सब चीज़ बताते हैं। स्टेशन छूटते ही अपनी ट्रेन जो है रफ्तार पकड़ चुकी है और ट्रेन के बारे में हम बता रहे थे, जो ट्रेन की जब शुरुआत हुई थी, जब ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था तो लगभग 12 अगस्त 2015 को उस टाइम में जो है रेल मंत्री जो थे सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, तो उन्होंने इसको फुल्ली एसी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस रूप में चलाया था, मतलब आंध्र प्रदेश से लेके नई दिल्ली तक और दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक मतलब विशाखापट्टनम तक फुल्ली एसी क्लास थी। लेकिन फिर 2020 में जो है इसमें जो है स्लीपर क्लास के भी कोच मतलब लगा दिए गए, जिस वजह से आप जो है ये आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस हो गई। हाँ, इसमें जनरल क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोच कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपको जो है वन एसी का डब्बा मिलेगा और 5 सेकेंड एसी, 7 जो है थर्ड एसी और 6 स्लीपर क्लास, और जनरल क्लास हमने आपको बताया जनरल क्लास है ही नहीं, मतलब जो है ये कुछ ये है SLR, मतलब DL1 कोच है, इस तरह से कुछ यही कोच है भाई। तो अगर आप लोग सफ़र करना चाहेंगे जनरल टिकट लेके तो भाई इसी में सफ़र करना होगा, जनरल क्लास इनमें है ही नहीं, मतलब देखने को ही नहीं मिलेगा। तो DL1 में जो है आप सफ़र कर सकते हैं किसी तरह, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे भी सफ़र करना होगा करेंगे। बाकी मिलते हैं आपको सीधा बीच में, जहाँ पे ट्रेन रुकेगी तो रुकेगी, नहीं तो स्टॉपेज तो भाई झांसी में ही है, बीच में ललितपुर हो गया, बीना हो गया, सभी को ट्रेन स्किप करते हुए नॉन स्टॉप भाई झांसी में रुकेगी। एक तरह से दोस्तों ये कोच जो है स्पेशली महिलाओं के लिए होता है, लेकिन नीचे में अभी आप देख रहे हैं मतलब माता जी महिला लोग नीचे में ही बैठी है और जेंट्स लोग जो है वो अपना सीट पे बैठे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, इसमें जनरल क्लास है ही नहीं तो जेंट्स को भी भाई बैठना है। विशाखापट्टनम हो गया और नई दिल्ली गलती तो इसमें रेलवे की है भाई, करना चाहिए हो या फिर दो, मतलब एक दो अटैच करना कोच लगाने से होगा, क्या कर सकते हैं भाई, जिनको जहाँ सीट मिला जो पहले आए वो अपना ऊपर बैठ के, बगल में अपना दिव्यांग कोच भी है, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसमें जा सकते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं जा सकते क्योंकि हम दिव्यांग नहीं है भाई, अगर गए तो फाइन देना पड़ सकता है अपने। अभी दोस्तों हमने जो है बीना जंक्शन को क्रॉस किया है और अपनी जो तमिलनाडु एक्सप्रेस है वही से आगे आगे चल रही है, लगभग 35 किलोमीटर आगे है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस अपनी ये जो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस है उससे, और अपनी अभी तक आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ने जो है काफ़ी टाइम कवर कर लिया है, 35-38 मिनट की देरी से चल रही थी लेकिन अब जो है मात्र 19 या 18 मिनट की देरी से चल रही है। आपने देखा कितना रफ्तार जो है ट्रेन अपना जो है पटरी पर दौड़ रही थी। अब इसके बाद ललितपुर एक रेलवे स्टेशन है वो भी अपनी ट्रेन स्किप करेगी और फिर हम लोग रात के 12-12.5 बजे तक हो सकता है तो झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। बाकी तो टाइम है तमिलनाडु एक्सप्रेस से पहले इस ट्रेन को पहुंचाने का, लेकिन देखिए क्या होता है, ये ट्रेन उस ट्रेन को ओवरटेक कर पाती है यानी, क्योंकि दूरी अभी 35 किलोमीटर की है, वो ट्रेन 35 किलोमीटर आगे चल रही है और अपनी ट्रेन 35 किलोमीटर पीछे है। वो तो वक्त बताएगा भाई कि अपनी ये आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस तमिलनाडु को ओवरटेक कर पाती है। अभी दोस्तों अपनी जो ट्रेन है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस वो पहुंच चुकी है ललितपुर जंक्शन, और जैसा हमने आपको बताया था वो जो तमिलनाडु एक्सप्रेस थी वो जस्ट इसके आगे आ गया है, लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी होगी जो कि इसके आगे होगी, और अभी ललितपुर में इसका वैसे स्टॉपेज तो नहीं है लेकिन सिग्नल रेड है जिस वजह से भाई ट्रेन रुक सकती है।
अब देखते हैं ट्रेन रुकती है या फिर नहीं। मतलब रेड तो है लेकिन कभी भी वो येलो हो सकती है, अगर येलो हो गई तो भाई ट्रेन अपनी निकल पड़ेगी, अगर नहीं हुई तो भैया ललितपुर में अपनी ट्रेन रुक जाएगी। ये तो तमिलनाडु एक्सप्रेस के आगे आ गई और ट्रेन अपना पूरा टाइम जो है कवर कर चुकी है। हमने पूरा देखा 38 मिनट की देरी से चल रही है ट्रेन, बट ट्रेन यहाँ आते आते पूरा टाइम कवर कर चुकी है। बाकी ललितपुर भाई आ चुका है, ये देख लीजिए। सिग्नल ग्रीन हो चुका है दोस्तों, ये देखिए। हमको लगा ट्रेन रुक जाएगी बट सिग्नल ग्रीन है। संपर्क क्रांति है दोस्तों सामने। भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भैया, पहले उतर जान दो यार, तब चढ़ियो। उतर जान दो ना, खाली है, उतर जान दो। वो तो पूरी खाली पड़ी है भाई। ये देखो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी रेलवे स्टेशन, अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है और स्लीपर में भी काफ़ी लोग चढ़ रहे हैं भाई। और ये और इधर भाई अपना डीएल कोच का हाल देख लीजिए भाई, लोग उतरे नहीं हैं और जबरन जो है चढ़ने वाले चढ़ रहे हैं भाई। कोच ही का मैं क्या कर सकते हैं। उधर देखो विकलांग वाले हाल देखो, विकलांग वाला कोच में वो देखो कितने सारे लोग। यहाँ तो भाई पूरा पैक होने वाला है अपना ट्रेन, ये देखो भाई। वाह अब होगा भाई तांडव। बाकी यहाँ से बगल से निकल रही है अपनी गोंडवाना एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन टू नई दिल्ली, ओ सॉरी रायगढ़। ये देखो भाई धक्का मुक्की प्रॉपर चालू है यहाँ पे, ये देखो। नेट जो है अपनी ट्रेन यहाँ पे बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है, 12:06 पे पहुँचाने का टाइम था और नेट 12:06 पे भाई ट्रेन पहुँच चुकी है। और ललितपुर से अगला जो स्टेशन था वहीं पे अपनी ट्रेन ने ओवरटेक मार दिया तमिलनाडु एक्सप्रेस को। शायद दिखा नहीं पाए, मेरा फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया था क्योंकि साइड में अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस स्लो मोशन में निकल रही थी और अपनी क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस फुल रफ्तार में निकल गई, तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए निकल गई। 38 मिनट की देरी से वहाँ से खुली थी भोपाल से और यहाँ आते तो पूरा राइट टाइम हो चुका है। और बाकी ट्रेन का कुछ ये हाल है, स्लीपर में देख लीजिए गेट पे ही लोग लटके पड़े हैं भाई, इसमें जनरल क्लास भी नहीं, क्या कर सकते हैं। ये देखो और SLR कोच का तो और गर्दा होने वाला है भाई। जब से सरकार नियम लाई है कि वेटिंग लिस्ट वाले अपना स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकेंगे, उस दिन से अपना जो कोई भी वेटिंग टिकट लेके स्लीपर में यात्रा नहीं करते हैं। और जो लोग जनरल में चढ़े हैं उनको तो फिर TET साहब उतारेंगे भाई चाहे जो। चलो भाई अपनी ट्रेन का यहाँ से सिग्नल हो चुका है, ट्रेन ने जो है अपना सिग्नल दे दिया है और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भाई यहाँ से निकल जाएगी। तक वो अभी हमारा पेपर निकल जाएगी, पेपर वाले थोड़ी ना सुनेंगे। एक बात तो है दोस्तों, ट्रेन में पूरी रफ्तार है, मतलब कि जैसे ही ट्रेन खुलती है तो पूरा रफ्तार पकड़ लेती है। और झांसी में इतना भीड़ बढ़ गया है कि पूरा गेट पूरा पैक हो चुका है, मतलब इधर अपना महिला लोग जो है पूरा सोई हुई है, जिस वजह से यहाँ से कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। उधर देख सब लोग सो रहे हैं, उधर सब बेफिक्र होकर सो रहा है, लेकिन इधर इधर का हाल दिखाते हैं आपको। इधर सब लोगों को दिख रहा होगा गेट पे कुछ ये हाल है अभी भाई, हद से ज़्यादा भीड़ हो चुकी है अपनी इस आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में। अब जनरल तो है नहीं, उधर विकलांग वाला डब्बा था उसमें भी काफ़ी सारे यात्री चढ़े और इधर SLR है इसमें भी काफ़ी सारे यात्री चढ़े हैं और स्लीपर में भी काफ़ी सारे यात्री चढ़े थे अपने वीडियो में देखा ही। अब पता नहीं उनको TT साहब उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, वो तो वही जाने, लेकिन अगर आएंगे तो ज़रूर उतारेंगे क्योंकि अलाउ नहीं है भाई अब जनरल टिकट के जनरल टिकट लेके आप स्लीपर में यात्रा कर सके।
क्योंकि जब से नियम लागू हुआ है कि आप वेटिंग टिकट लेके भी स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरल क्लास तो है नहीं इसमें। किसी तरह अपना सीट ऊपर में था तो अपना एडजस्ट करके भाई अपना जा रहे हैं। बाकी ग्वालियर में कुछ भीड़ खाली होगी, उसके बाद फिर आगरा, आगरा के बाद फिर कल सुबह 5:30 का टाइम है नई दिल्ली पहुँचाने का। देखते हैं टाइम, ट्रेन तो बिल्कुल टाइमली है, वो तो सुबह पता चलेगा ट्रेन टाइम से पहुँचती है या फिर थोड़ी लेट होती है। अभी तक अपनी ट्रेन ने दोस्तों लगभग 3 ट्रेनों को ओवरटेक कर दिया है। पहली तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक किया था यहाँ तक, और उसके बाद फिर दक्षिण एक्सप्रेस को, उसको भी ओवरटेक कर दिया, फिर गोवा एक्सप्रेस थी उसको भी ओवरटेक कर दिया, और जबकि सभी ट्रेनें जो हैं इससे पहले झांसी वहाँ भोपाल पहुँची थी, और अभी ग्वालियर आते आते 3 ट्रेन को ओवरटेक कर चुकी है। इसके आगे आ गई गोंडवाना, हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस निकल रही है, और जस्ट इसके पीछे जो है हजरत निजामुद्दीन राजधानी चल रही है, और उसके पीछे मतलब आगे पीछे कई सारी ट्रेनें अभी जो है चली रही हैं। अब धीरे धीरे सभी ट्रेनें एक एक करके दिल्ली पहुंचेंगी भाई। अभी देखो 3 ट्रेनें ओवरटेक की है, देखते हैं गोंडवाना को ये ओवरटेक कर पाती है या नहीं। जस्ट शायद 3 या 4 किलोमीटर आगे होगी अभी। दोस्तों शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था, तो उसी ताजमहल के शहर यानी आगरा से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप था, इसीलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, मतलब उतरे और उतरने के साथ जब उधर तक गए तब तक अपनी ट्रेन खुल पड़ी, और अपनी जो गोंडवाना एक्सप्रेस आगे आगे चल रही थी हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस, उसको भी अपनी ट्रेन ने ओवरटेक कर दिया है। लगभग 4 ट्रेनों को अपनी ट्रेन जो है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ओवरटेक कर चुकी है, और बिल्कुल ऑन टाइम राइट टाइम चल रही है अभी, और लगभग सुबह 5:40 में टाइम है तो 5:40 में भाई पहुंच जाएंगे हम लोग। और 3 बज चुके हैं अभी, तो थोड़ा जा रहे हैं सोने के लिए भाई, काफ़ी तगड़ी नींद आ रही है। और एक और बात कहना चाहेंगे कि खैर छोड़िए वो बात सुबह में कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, चलिए अभी थोड़ा सो लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के लगभग 6:30 हो रहे हैं, और अब जाके हम उतर चुके हैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वैसे स्टॉपेज तो नहीं था यहाँ पे ट्रेन का, बट ट्रेन हमारी रुक चुकी थी जिस वजह से भाई हम उतर चुके थे, और ट्रेन भी यहाँ से खुल गई जैसे ही उतरे, और ट्रेन यहाँ से भाई निकल गई। काफ़ी सारे यात्री यहाँ तक उतरे हैं, और ट्रेन ने करीब कई सारी ट्रेनों को जो है ओवरटेक किया भोपाल आते आते। अपनी मालवा एक्सप्रेस जो कि करीब 5:00 ही भोपाल आई थी, उसको भी ओवरटेक करके भाई आगे निकल चुकी है। मालवा एक्सप्रेस करीब 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। एक तरह से दोस्तों कहें तो अपनी एपी एक्सप्रेस में बोले तो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ने लगभग 5-6 ट्रेनों को ओवरटेक किया होगा, लगभग 5-6 ट्रेनों को ओवरटेक करके भाई आगे निकली। और ट्रेन भी जो है 40 मिनट देर चल रही थी, 40 मिनट की देरी से निजामुद्दीन भी पहुंची थी। वैसे स्टॉपेज तो नहीं था, और प्लेटफॉर्म पे जो होता है वहां पे भी ट्रेन नहीं रुकी थी, बीच वाला जो ट्रैक होता है वहां पे ट्रेन रुकी थी,
तो कई सारे यात्री उतर रहे थे, तो भाई हम भी नींद में थे, अचानक से हमने देखा भाई निजामुद्दीन आ चुका है, फटाक से उतर जाते हैं समझे। आगरा के बाद भाई तगड़ी नींद आ गई थी, जिस वजह से हम चले गए थे सोने के लिए। बाकी कुछ ऐसा रहा आज का सफ़र, ऐसा रहा कुछ जनरल क्लास का भाई जर्नी, जनरल क्लास हाँ मतलब डीएल कोच था तो उसी में हम सफ़र किए भाई, जनरल कोच तो है ही नहीं आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में। तो ऐसा कुछ रहा हम लोग का सफ़र भोपाल से दिल्ली तक का। ट्रेन का वैसे दिल्ली में स्टॉपेज था, यहाँ पे नहीं रुकी। तो अगर आप लोग भी इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, विशाखापट्टनम से दिल्ली या फिर दिल्ली से विशाखापट्टनम। और हाँ, बीच में कहीं पे भी जर्नी करना चाहते हैं तो भाई कर सकते हैं, टिकट वगैरह ले सकते हैं। बाकी टिकट का प्राइस हम लोगों को पड़ा, सुपरफास्ट ट्रेन थी तो 230 रुपये पड़ा भोपाल से लेके दिल्ली तक। बाकी दिल्ली उतर चुके हैं। तो आप लोगों को ये व्लॉग, ये ट्रेन जर्नी कैसा लगा कॉमेंट करिए ज़रूर बताना। आप लोग डिमांड कर रहे थे कॉमेंट पर, कॉमेंट कर रहे थे कि भाई ट्रेन जर्नी लाओ, ट्रेन जर्नी लाओ। लीजिए, आप सबके लिए ट्रेन जर्नी ला दिए। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ट्रेन जर्नी में या फिर एक नए रेलवे स्टेशन वाले स्टे वाले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दीजिए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई अब जाके जो है तमिलनाडु एक्सप्रेस आई है, ये देखो भाई, जबकि तमिलनाडु एक्सप्रेस भोपाल में पहले आई थी। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमने आपको बताइए नहीं किए, वहाँ पे हम बोले थे लेकिन भूल गए अभी, तो वो बात बताना चाहेंगे कि आप जिससे इश्क लड़ाने में 24 घंटा मसरूफ़ है वो आपकी है, इसका क्या प्रूफ है? इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो झांसी में एक सुंदर सुशील कन्या बैठी थी हमारे बगल में, और रात भर लगभग दोनों से चैटिंग पे चैटिंग चल रहा था भाई। एक वो अपना होता है पर्सनल हम मानते हैं, लेकिन दुद्दू को जो है तीन तीन को लड़कियाँ नचाती हैं लड़कों को। तो भाई लड़कियों उड़कियों के चक्कर में थोड़ा पढ़ना सेफ नहीं है, किस पे भरोसा किया जाए किस पे ना किया जाए कोई गारंटी नहीं है भाई। तो वही थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप लोग थोड़ा काम वाम पे ध्यान दीजिए, ये लौंडियाबाजी छोड़िए समझे, अब मेरी टेंशन मत लीजिए, हम इस सब चक्कर में नहीं रहते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं भाई घर।